दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। तो दोस्तों सामने आप ये जो मोबाइल देख रहे हैं सैमसंग का, इसका एमआई नंबर आप अपने दिमाग में नोट कर लें थोड़ा सा, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे कि इस मोबाइल के अंदर में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या है। चलिए इस मोबाइल को थोड़ा सा हम यहाँ पे ऑन करके आपको दिखाना चाहेंगे। चलिए आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लें इस मोबाइल को। तो दोस्तों मोबाइल ऑन हो चुका है। चलिए इस मोबाइल का प्रॉब्लम चेक करने के लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने सेटिंग पर क्लिक किया। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद नीचे में हमें यहाँ पे अबाउट डिवाइस पर क्लिक करना है। तो चलिए हमने यहाँ पे अबाउट डिवाइस पर क्लिक कर दिया। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इस मोबाइल में जो प्रॉब्लम है कि इसका जो बेस बैंड है ठीक है वो इरर है। ठीक है, बेस बैंड जो है अननोन है इसका। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेस बैंड इसका जो अननोन है, तो इसे जो है हम रिपेयर करेंगे मिरेकल बॉक्स से। और दोस्तों वीडियो के अंत में मैं आपको बताने वाला हूँ कि J2 का जो अगर कैमरा फेल होता है या बेस बैंड का अगर इरोर है या आपका फ्लैशिंग करने में अगर J2 का जो है अगर आपका इरोर आ रहा है, फ्लैशिंग नहीं हो पा रहा है, तो इन तीनों के बारे में आपको वीडियो के अंत में बता दूंगा। आप वीडियो को ध्यान से देख लें। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं एक तरफ जो मैं आपको मोबाइल की जो है वीडियो दिखा रहा हूँ, एक तरफ जो है मैं आपको मिरेकल बॉक्स दिखा रहा हूँ। तो ये इसलिए दिखा रहा हूँ मैं आपको ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो दोस्तों इस मोबाइल को हमें जो है अभी जो है फ्लैश करना है, तो इस मिरेकल बॉक्स से तो यहाँ पे सैमसंग टूल हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राइट फ्लैश यहाँ पे हमने चेक लगा दिया है। उसके बाद हमें यहाँ पे जो है फाइल सेलेक्ट करना होगा। तो जो डेस्कटॉप पे हमारी फाइल है J2 का, तो इस फाइल को हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। चलिए इस फाइल को हम यहाँ पे पहले यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ फाइल दिखा रहा था, इस फाइल को हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया इस मिरेकल टूल में। उसके बाद यहाँ पे स्कैन मैंने पोर्ट किया। ठीक है, पोर्ट को स्कैन करने के बाद चलिए इस मोबाइल को हम यहाँ पे फ्लैश कर। तो दोस्तों जब तक ये मोबाइल फ्लैशिंग हो रहा है तब तक चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मान के चलिए J2 में अगर आपका कैमरा फेल हो रहा है, कैमरा अगर नहीं खुल रहा है, ठीक है, और J2 मोबाइल का बेस बैंड अननोन है, तो और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर J2 मोबाइल को अगर आप फ्लैशिंग कर रहे हैं ओडिन टूल से या मिरेकल बॉक्स से या J3X बॉक्स से और फ्लैशिंग नहीं हो रहा है, वो इरर देकर बीच में रुक रहा है, तो इन तीनों के बारे में अभी आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा कि आप इन तीनों का प्रॉब्लम जो है कैसे सॉल्व कर सकते हैं मिरेकल बॉक्स से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मोबाइल जो हमारा रिस्टार्ट हो चुका है, मोबाइल हमारा जो कम्प्लीटली जो यहाँ पे फ्लैशिंग हो चुका है, किसी तरह का एरर नहीं है और ये मोबाइल जो है ऑन हो रहा है। तो चलिए हम आपको इस मोबाइल को ऑन करके आप दिखाते हैं आपको कि इस मोबाइल में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम जो है दूर हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों आप सबसे पहले यहाँ पे आईएम नंबर चेक कर लें, ये वही मोबाइल है। चलिए इस मोबाइल को हम आपको ऑन करके यहाँ पे दिखाना चाहेंगे फिर से कि बेस बैंड का जो प्रॉब्लम था इस मोबाइल के अंदर में वो प्रॉब्लम जो है इसका जो है दूर हुआ है कि नहीं। तो चलिए इस मोबाइल को हम आपको ऑन करके यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। आप इस मोबाइल को देख लें थोड़ा सा। तो दोस्तों मोबाइल ऑन हो चुका है, चलिए इस मोबाइल के सेटिंग में चलते हैं। और सेटिंग में जाने के बाद चलिए चेक करते हैं फिर से हम इस मोबाइल को कि इसका जो बेस बैंड का जो प्रॉब्लम था कि वो प्रॉब्लम जो है वो सही हुआ कि नहीं। चलिए देख लेते हैं, आपको हम दिखा देते हैं। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि बेस बैंड का जो प्रॉब्लम था अननोन लिखा हुआ आ रहा था, आप यहाँ पे जो आप देख सकते हैं बिल्कुल ये जो सोल्यूशन हो चुका है और ये मोबाइल जो है रिपेयर हो चुका है। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं वो तीन प्रॉब्लम के बारे में कि मान के चलिए इस मोबाइल का J2 का J200G का अगर कैमरा फेल आ रहा है, कैमरा ओपन नहीं हो रहा है मोबाइल में, और उसके बाद मान के चलिए इस मोबाइल को अगर आप ओडिन टूल से फ्लैशिंग कर रहे हैं, किसी भी टूल से फ्लैशिंग कर रहे हैं, फ्लैशिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, उसके बाद अगर बेस बैंड का प्रॉब्लम है, तो दोस्तों इन तीनों प्रॉब्लम को आप जो है रिपेयर कर सकते हैं। जो फाइल से मैंने अभी जो फ्लैश किया मिरेकल बॉक्स से, तो आप उस फाइल को डाउनलोड कर लें। उस फाइल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उस फाइल को डाउनलोड करके इन तीनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप जो है निकाल सकते हैं। उस फाइल से आप फ्लैश करके इस मोबाइल को आप रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको किसी काम आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।